अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहसन रज़ा है। मैं कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मेरा रोल नंबर CP205 है। मैं रिसेंटली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में बतौर सब इंस्पेक्टर जॉब कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आने वाली हैं सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो मैं आपको इसकी ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ा बताता हूँ। सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में सोसाइटीज़ का ऑडिट करता है, इंस्पेक्शन करता है। अगर सोसाइटी के मेंबर्स में कोई डिस्प्यूट है उसे सेटल किया जाता है, और जो सोसाइटी को एक जॉइंट पर्पस के लिए फंड्स दिए जाते हैं उनमें 6 महीने के बाद जो एक फिक्स कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का शेयर होता है उसकी वसूली की जाती है। अगर आपके एरिया में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसका ऑडिट, इंस्पेक्शन और रिकवरी वो भी आपके ज़िम्मे होती है। इस मकसद के लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आपको हफ्ते में 2 दिन सरकारी जीप देता है, जिसके अंदर आप फील्ड का विज़िट करते हैं और लोगों से मिलते हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टिंग है वो आपके अपने मुतलका ज़िले में होती है। इसमें साल के अंदर 2 महीने जून और दिसंबर काम काफ़ी ज़्यादा होता है, बाकी 10 महीने काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। अगर आप कोई और जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो ये जॉब बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपके पास पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। इसमें सब इंस्पेक्टर 5 से 7 साल बाद इंस्पेक्टर हो जाता है, और मज़ीद 5 से 7 साल बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो कि 17 स्केल में होता है, वहाँ तक पहुँच जाता है। कुछ केसेस हमने देखे हैं महकमे के अंदर के बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती होकर सर्कल रजिस्ट्रार, जो कि ग्रेड 18 में होता है, वहाँ तक ईजिली चले गए हैं। अब बातें हैं कि इसकी तैयारी कहाँ से की जाए। तो 1 पेपर MCQs के लिए कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी बेस्ट है। मैं खुद उनका स्टूडेंट हूँ। सर हैदर बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आप सिक्योर करनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी इसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है।